आजमगढ़ पहुंचे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव का जगह जगह स्वागत हुआ। इस दौरान उनसे खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 के संवाददाता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, मैं हूं रामावतार उपाध्याय। हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव विधान परिषद। आइए हम उनसे खास बातचीत करते हैं कि किस तरह से, चूंकि 29 तारीख से बजट भी पेश होना है, आजमगढ़ के प्रथम आगमन पर नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका दौरा हुआ है जिसमें जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया है, और साथ में क्या बजट में किस तरह से अपनी रणनीति बनाए हैं और सरकार बजट पेश कर रही है, तो इस बजट को किस तरह से देखते हैं नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी? आज आजमगढ़ का प्रथम आगमन है नेता। मैं अपने जनपद में और आवास पर पहली बार आया हूं, और मैं सबसे पहले अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस लायक उन्होंने समझा और इस पद पर, बड़े पद पर जो है मुझे जो है बैठाने का काम किया। और जहाँ तक जनता की समस्याओं का सवाल है, जनता को मैं समझ रहा हूँ कि मैं सुल्तानपुर से, लखनऊ से पहले आया सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के लोग भी बताए, चंदौली के लोग भी मिले थे, बनारस के लोग भी मिले थे। नहरों में पानी इस समय पीक आवर है किसानों की रुपाई का, नहरों में पानी नहीं, बिजली इसके पहले भी ठीक मिलती थी, लेकिन इस समय बिजली जो है, जब रोपाई का सीजन आ गया तो बिजली 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट इस तरह से आ रही है। तो सिपाही की भर्ती में फिर होने जा रही है, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं कि मैं इस बार नहीं होगा, और हम लोग देखें कि करते क्या है, करते क्या इनका फिर पेपर लीक होता है कि बचता है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव। इनका कहना है कि इस बार फिर सिपाही की भर्ती होने जा रही है, तो देखते हैं कि इस बार पेपर लीक होता है या फिर बचता है। फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है। राम अवतार उपाध्याय, सौरभ सैनी कैमरामैन के साथ, नेटवर्क 10, आजमगढ़।